28 अक्टूबर सोमवार को पद्म राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर के वोकेशनल एजुकेशनल ITES विषय के विद्यार्थियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह महाविद्यालय रामपुर में प्रधानाचार्य रतन चंद गुप्ता के आशीर्वाद से सफल रहा। आपको बता दें कि समापन समारोह में स्कूल प्रबंधन समिति के 30 तरार अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं कार्यकारिणी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने संबोधन में प्रधानाचार्य महाविद्यालय रामपुर एवं सभी स्टाफ का बच्चों का प्रशिक्षण सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। कश्यप ने विषय अध्यापक संदीप कुमार एवं अध्यापिका सुनीता शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानाचार्य रतन चंद गुप्ता का विशेष रूप से धन्यवाद किया, जिसके सहयोग से बच्चे महाविद्यालय रामपुर में सफल रहे। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने वेजित हुआ महोत्सव में अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि उन्होंने अभिनव अरोड़ा को मंच से उतारा, क्योंकि उनकी कथा गंभीर विषय पर चल रही थी और अभिनव का व्यवहार उस समय उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी के प्रति द्वेष रखना नहीं है, बल्कि कथा का गंभीरता से आयोजन करना है। बता दें कि अभिनव को धमकियां मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है और वे इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। बच्चों या किशोरी के रामकथा या भगवत कथा करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सनातन धर्म को नुकसान हो सकता है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, साथ ही विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की बढ़ती संख्या और उन्हें अल्पसंख्यक लाभ दिलाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है और समान नागरिक संहिता की आवश्यक है। यह विचार स्पष्ट रूप से उनके समाज और धर्म की सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। मैं आपके स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हूँ, तो आना तो प्रिंसिपल सर ने भी कहा, पर वो थोड़ा अपने काम में व्यस्त है, इसलिए हम लोग आए हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आपका ये प्रशिक्षण है, इसका आज समापन होना है। ये बच्चों के वेलफेयर के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने भी आपको यहाँ आने के